नमस्कार, कैसे हैं आप सब। कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीजीपीएसई 2023 को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया था टॉप एमसीक्यू का। उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का जो पंचायती राज है उसमें आज मेरा लेक्चर नंबर 4 है। तो आज जो लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें हम लोग पंचायत में जो निर्वाचन प्रक्रिया है, पूरा निर्वाचन का डिटेल से समझते हैं और इसके जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उन एमसीक्यू को अपन क्या करते हैं आज सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, सबसे पहले अपन बात करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन के बेसिस पे इस सेशन को आज आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। पहला रीड करो बेटा, एक कुछ क्वेश्चन टॉपिक से बाहर का भी रहेगा लेकिन उसमें भी अपन निर्वाचन को समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आज का है, यदि जनपद पंचायत का अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो अध्यक्ष प्रस्ताव की विधि मान्यता को कहां चुनौती देगा। कहने का मतलब यह है कि भाई जनपद अध्यक्ष, अभी बताओ, कल ही मैंने बताया था कि जो जनपद अध्यक्ष है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा, जो निर्वाचित सदस्य है उन लोग क्या लाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे उनके विरुद्ध, ठीक है, इतना क्लियर है। अगर ये पारित हो गया तो वो इस प्रस्ताव के खिलाफ में किसके पास जाएगा और किसके पास चुनौती करेगा। तो ध्यान देना, इसका उत्तर याद रखना बेटा, क्योंकि जनपद पंचायत है तो जाना वो जाएगा सीधा सीधा संचालक पंचायत के पास। ये जो हमारे पास प्रशासनिक अधिकारी है, संचालक पंचायत, इनके पास जाएगा, ठीक है, और क्या करेगा वो अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, खिलाफ क्या करेगा, चुनौती देगा। और ध्यान दे, ये जो हमारे पास संचालक पंचायत है ये 30 दिन के भीतर निर्णय देगा, ठीक है, और जो भी निर्णय देगा वो अंतिम निर्णय होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ाते हैं, अगला लेते हैं, सीधा बात करते हैं निर्वाचन, क्योंकि आज हमारे पास टॉपिक है किससे संबंधित है बेटा, निर्वाचन। तो प्रश्न पूछा है, निर्वाचन के संदर्भ में सुमेलित क्या नहीं है। प्रश्न क्या है, निर्वाचन के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसको वो हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। यहां तक निर्वाचन के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है, ठीक है, यहां तक देखो। पहले तो अपन हमारे पास कितने ऑप्शन है, नोट हो प्रश्न टॉपिक उसको देख लो। सरपंच के बारे में पूछा गया है, सरपंच का चुनाव कैसे होता है तो क्या बताओगे, प्रत्यक्ष। उप सरपंच कैसे होता है, अप्रत्यक्ष। ग्राम पंचायत के सदस्य का मतलब क्या हो जाएगा, पंच, प्रत्यक्ष होगा। जनपद अध्यक्ष कैसे होता है, अप्रत्यक्ष। उपाध्यक्ष कैसे होगा, अप्रत्यक्ष। जनपद सदस्य कैसे होगा, प्रत्यक्ष। जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अप्रत्यक्ष, और जिला पंचायत का सदस्य कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है, याद रहेगा। तो देखो भाई, यहां पे जो सुमेलित नहीं है वो उसको हमें क्या करना है, पहचानना है, बराबर आता है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं सरपंच, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। दूसरा बात करते हैं, एक जो हमारे निर्वाचन के बेसिस पे है, तो याद रखना बेटा इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा, इसको एक बार समझने का प्रयास करो आप लोग, ठीक है। तक देखो सरपंच कैसे होता है, पहले प्रत्यक्ष को देखते हैं, प्रत्यक्ष कौन कौन है, फिर ऑप्शन निकालते हैं, याद रहेगा। सरपंच कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत के सदस्य कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, याद रहेगा। जनपद सदस्य कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है, याद रहेगा। और कहा गया जिला पंचायत के सदस्य कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है, तो याद रखना। इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, प्रत्यक्ष वाले निकालते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, 6, और ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 9। इसका अगर देखते हैं 1, 3, 6, 9 कहीं ऑप्शन में है क्या, उसको देख लो। उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, 2 के बाद क्या बचा हमारे पास, देख लो 4, 5, 6 और 8, तो ऑप्शन में तो है ही नहीं, ठीक है। ध्यान में इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको, 1, 3, 6, 9, याद रखना। ये ऑप्शन नंबर जो सी बेटा ही सही होगा, यहां पे एक सी होगा, क्लियर है, यहां तक देख लो अच्छे से। तो ध्यान में इसका उत्तर क्या होगा, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, जनपद सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, और जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा, बराबर। इसको समझ लेते हैं, देखो अपन 3 स्ट्रक्चर लेते हैं भाई, एक ग्राम पंचायत का, एक जनपद पंचायत का, ठीक है, और एक हम जिला पंचायत का। जो भी हमने प्रश्न किया है इसको थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। ये प्रश्न पूछेगा कि भाई ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में किनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ये आपको याद रखना है, और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ये आपको बेटा याद रखना है, समझ में आया, क्लियर है यहां तक। अब देखो ग्राम पंचायत की बात करोगे तो ग्राम पंचायत में ना जो हमारे पास पंच है, और पंच के साथ साथ जो हमारे पास सरपंच है, इनका चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा,
और जो हमारे पास उप सरपंच है इसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है, ये याद रखना क्लियर है। जनपद में अगर देखा जाए तो जनपद का जो सदस्य है निर्वाचित सदस्य इसका क्या होता है? अप्रत्यक्ष होगा। बाकी जनपद और जिला की बात करोगे यहाँ पर अध्यक्ष और जो हमारे पास उपाध्यक्ष है इसका चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। जिला की बात करोगे जिला सदस्य का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। और जिला में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है इसका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। बराबर यहां तक देखिएगा जो भी हमने प्रश्न नंबर दो किया है उसको। तो ये प्रश्न आता भी है, समझना है कि ग्राम पंचायत में, जनपद में, जिला में किसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, किसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ये पहचानने के लिए आता है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि बेटा क्लियर है यहां तक। आगे अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की ओर। आगे बढ़ते हैं, किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर तीन की ओर, ठीक है ना। देखो सबसे पहले रीड करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर तीन है क्या, पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है, ठीक है। यहां तक प्रश्न क्या है? पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है? देखो पहले तो आपको उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है उसको अच्छे से याद रखना है, क्लियर है यहां तक? देख लो भाई, देखो एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, ऑब्वियस ही बात है जिला में तो जिला निर्वाचन अधिकारी होगा ही, क्यों नहीं होगा, ठीक है। एक या एक से अधिक रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। ध्यान दे रहे बेटा, जिला में ना जैसे जनपद पंचायत का चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो नायब तहसीलदार को बनाया जाता है। किसको? नायब तहसीलदार। अब ऑब्वियस ही बात है भाई, जिले में बहुत सारे नायब तहसीलदार होंगे। ध्यान देना जितने हमारे पास निर्वाचन क्षेत्र होंगे कम से कम इनके पास 5-6 गांव दे दिया जाता है या फिर 4-5 ज्यादा गांव दिया जाता है। तो ध्यान ये भी ऑप्शन सही है कि एक से अधिक क्या होता है? रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है। चुनाव अधिकारी हमारे पास है, रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है, सही बात है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करेगा चुनाव के संबंध में, इसको याद रखना। आगे रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी करता है, ठीक है। तक ये भी सही है, अगर आयोग परमिशन देता है तो कलेक्टर महोदय अर्थात जो जिला निर्वाचन अधिकारी मतलब कलेक्टर महोदय वो भी कर सकता है, ये भी सही है। पांचवा चलते हैं, नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, ये भी सही है। अभी बताया था कि ग्राम पंचायत जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, सॉरी जनपद के लिए रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? नायब तहसीलदार होता है, इतना क्लियर है। आगे नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। आगे नायब तहसीलदार जिला पंचायत सदस्य के लिए रिटर्निंग ऑफिसर का अधिकारी हो सकता है, याद रहेगा? नहीं। जिला निर्वाचन अधिकारी है एकमात्र रिटर्निंग ऑफिसर हो सकता है? नहीं। जिला निर्वाचन अधिकारी पूरे जिले के लिए हो सकता है लेकिन एकमात्र नहीं, क्योंकि जो नायब तहसीलदार है वो भी तो होता है ना ग्राम पंचायत जनपद पंचायत के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 7 और 8 गलत है बेटा। तो देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहीं ऑप्शन में है क्या? हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 याद रहेगा रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है जी, याद रहेगा, इसको प्लीज याद रखना। अगर देखा जाए निर्वाचन के लिए एक हमारे पास क्या होगा? जिला निर्वाचन अधिकारी, इसके नीचे कौन होगा? रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग अधिकारी होगा, याद रहेगा यहां तक, ठीक है। तो ये सब हमारे पास है, क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगला अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। देखो भाई पंचायतों की कालावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो गलत है उसको पहचानना है, इसके बेसिस पे कार्य के बारे में, कालावधि के बारे में, बराबर इसको अच्छे से देखना, इसका उत्तर क्या है अपन देखने का बनाने का प्रयास करते हैं। देखो क्या गलत है उसको देखना है भाई। देखो कालावधि के बीच में पंचायत के विघटन होने पर निर्वाचन विघटन के 6 महीने के भीतर आयोजित किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला था अगर पंचायत का विघटन होगा, ठीक है ना, तो 6 महीने के भीतर क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए, कल ही बता दिया था, ठीक है। दूसरा, यदि विघटन के समय पंचायत की शेष अवधि 6 महीने से कम है तो इसकी शेष अवधि के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा, यह भी सही है। कल बताया था मैंने कार्यकाल के दौरान अगर किसी भी व्यक्ति का डेथ हो गया या पंचायत का विघटन हो गया और समय हमारे बचा है 5 महीना 4 महीना तो उपचुनाव नहीं होगा, जो चुनाव होगा वो मेन चुनाव होगा, आप आम चुनाव होगा, बराबर। यहां तक उपचुनाव कब होता है? जब टाइम पीरियड 6 महीने से ज्यादा हमारे पास शेष रहता है, अगर 6 महीने से कम शेष रहेगा तो उपचुनाव किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता, बराबर, आगे याद रखना। तीसरा, पंचायत के गठन
संविधान के लिए चुनाव इसकी 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व पहले पूरा हो जाएगा। बराबर, ये भी सही है, गलत नहीं है। मतलब पंचायत का गठन कब होगा, 5 साल कंप्लीट होने के पहले ही चुनाव हो जाता है। ठीक है, सही है। किसी भी पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि अगले 5 वर्ष के लिए, गलत बात। याद रखना, जब विघटन हो जाता है उसके बाद जब चुनाव होगा, तो कल ही बता दिया था कि ध्यान रहे बेटा, जब नया चुनाव होगा तो उपचुनाव होगा और उपचुनाव का कार्यकाल शेष अवधि के लिए होता है, ना कि 5 साल के लिए। याद रहे, वो ABC जो मैंने बताया था वही है। आई होप ये समझ में आया होगा बेटा, ये कार्यकाल है। और कार्यकाल की गणना कब से की जाती है, कमेंट करके बताइए। पंचायत में जो कार्यकाल है, कार्यकाल की गणना किस समय से किया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जल्दी बताइएगा फटाफट। देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। यदि ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव लंबित है तो क्या होगा, जल्दी बताइए। ठीक है, अगर प्रश्न नंबर किसको देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। यदि ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव क्या है, लंबित है तो क्या होगा। देखो, दो कंडीशन बताया था मैंने। अगर सरपंच का पद इस्तीफे के कारण, डेथ के कारण क्या होता है, रिक्त हो जाता है, तो स्थानापन्न सरपंच का क्या होता है, चुनाव होता है पंचों में से। लेकिन यहां पे क्या होता है, सरपंच का चुनाव लंबित हो गया, 5 साल कंप्लीट भी हो गया लेकिन चुनाव नहीं हो पा रहा है अपरिहार्य कारण से, जो कल मैंने बताया था। तो अगर किसी भी अपरिहार्य कारण से सरपंच का चुनाव क्या हो जाता है, आप उसको लंबित हो जाता है, तो उस कंडीशन में सरपंच का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। किनसे, जो इनके पास जो 20 पंच है ना, 20 पंच आपस में क्या करेंगे, किसी एक व्यक्ति को क्या करते हैं, चुनते हैं। तो इसी को ये पंजाब बोलते हैं सरपंच का अप्रत्यक्ष चुनाव। तो लंबित होने के कंडीशन में सरपंच के अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में। ठीक है, पढ़ते हैं। पंच अपने में से कार्यकारी, वही ठीक है, कार्यकारी सरपंच का चुनाव करेंगे, सही है ये, गलत थोड़ी है ये। दूसरा पढ़ते हैं, वर्षतम पंच कार्यकारी सरपंच रूप में कार्य करेगा, नहीं, यहाँ पे प्रोटेम सरपंच नहीं है वो। ग्राम सभा कार्यकारी सरपंच का चुनाव करेगी, ग्राम सभा का यहाँ पे रोल नहीं रहेगा क्योंकि वो उपचुनाव भी नहीं है। राज्य शासन सरपंच मनोनीत करेगा, बिल्कुल नहीं। तो याद रखना, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 5 है, उसका उत्तर क्या मिलेगा आपको, ए, क्या मिलेगा, ए। बराबर, यहां तक क्लियर है, इसको देख लो। अगला अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बराबर बेटा, ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखते हैं, एक बार रीड करो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक बार रीड करो। तो पंचायती राज अधिनियम के अधीन, पंचायती राज अधिनियम के अधीन किए गए किसी निर्वाचन को याचिका पेश करके प्रश्नगत किया जा सकता है, इस संदर्भ में सही क्या है। ध्यान देना, पंचायत में किसी भी चुनाव को अपन प्रश्नगत कर सकते हैं। ठीक है, तो किसके समक्ष करेंगे, ठीक है, किसके समक्ष करेंगे उसको अपन देखते हैं, उसका उत्तर क्या होगा उसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, देखो, पहला, ग्राम पंचायत के मामले में, अगर ग्राम पंचायत के चुनाव में कुछ भी दिक्कतें आती है तो जितने भी पदाधिकारी है इनको करेंगे, याद रखना SDO को, याद रहेगा, जो अनुविभागीय अधिकारी है राजस्व, उसको क्या करते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, SDO को ही करते हैं। दूसरा, सरपंच के मामले में अतिरिक्त कलेक्टर को, गलत, किसके पास जाएंगे, अनुविभागीय अधिकारी के पास जाएंगे बेटा। सर मतलब ग्राम पंचायत के मामले में चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, पंच का चुनाव, सॉरी, उप सरपंच का चुनाव हो, अगर आपको प्रॉब्लम है आप किसके पास जाओगे, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास जाओगे, ठीक है, ना कि अतिरिक्त कलेक्टर के पास। अगला, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर के पास जाओगे, बिल्कुल सही है, अगर आपको लगता है कि चुनाव में कुछ दिक्कतें हुई है, पारदर्शिता नहीं बरती गई है, तो आप कलेक्टर के पास जा सकते हो। जनपद अध्यक्ष के मामले में संभागीय आयुक्तों को, ये गलत है, जनपद वाले लोग कलेक्टर के पास जाएंगे, चाहे वो अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, या फिर सदस्य क्यों ना हो। जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत के पास जाएंगे, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है ये। जिला पंचायत के मामले में सचिव के पास, गलत है, ऐसा नहीं है, पंचायत सचिव के पास आप नहीं जा सकते, ठीक है, यहां तक। इसलिए देखो क्या क्या सही दिख रहा है यहाँ पे, ध्यान देना, 1 सही है, 3 सही है और 5 सही है। बराबर, यहां तक देख लो, कहीं पे दिख रहा है क्या, 1, 3, 5, हाँ, ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है वो सही है, 1, 3, 5, इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, यहां तक क्यों होगा, क्लियर है। तो ध्यान देना, अगर बात करते हैं
समझते हैं। अगर निर्वाचन को प्रश्नगत करना है, अगर निर्वाचन को प्रश्नगत करना है बराबर, ठीक है। अब देखो भाई, ग्राम पंचायत में चुनाव होगा सरपंच, उप सरपंच और पंच के लिए, जनपद में चुनाव होगा सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के लिए, जिला में चुनाव होगा सदस्य, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के लिए। तो ध्यान रहे बेटा, जो ग्राम पंचायत वाले जो लोग हैं ना, इन लोग किसके पास जाएंगे? एसडीएम के पास, या एसडीओ लिख सकते हो, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। जनपद वाले किसके पास जाएंगे? जाना जनपद वाले कलेक्टर डीएम के पास जाएंगे, हालांकि कलेक्टर है याद रखना। जिला वाले किसके पास जाएंगे? तो ध्यान रहा संचालक पंचायत के पास जाएंगे। ये बताया था ना आपको, देखो यहाँ पे संचालक पंचायत के पास जाएंगे, ठीक है बेटा। अगर निर्वाचन को आप, अगर लगता है कि निर्वाचन में एक प्रकार से पारदर्शिता नहीं बरती गई है, समझ में आया क्या बोला मैंने, इसको याद रखना। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं, ध्यान से रीड करो। पंचायत चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए और पद के लिए चुनाव लड़ने वाला केवल एक उम्मीदवार शेष रह जाए तो क्या होगा? ठीक है, आता देखो भाई, क्लियर है आता? चलो इसको ऑप्शन से ही बनाते हैं। वह एक उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाएगा। ये तो भाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हो जाएगा। अगर आप पक्ष में हो और विपक्ष में कोई नहीं है और चुनाव करा दो तो गलत है ना, ऑब्वियसली बात है, ये तो एक हो ही नहीं सकता, चुनाव हो ही नहीं सकता, ठीक है यहां तक। दूसरा, निर्वाचन प्रत्यादिष्ट हो जाएगा, मतलब निर्वाचन को पोस्टपोन कर देंगे, बढ़ा देंगे, सही बात है, गलत नहीं है। नामांकन प्रक्रिया पुनः शुरू हो जाएगी, तो फिलहाल तो ये होगा ना, तब तो ये होगा, तो फिलहाल तुरंत तो ये नहीं होगा। निर्वाचन अधिकारी इस विषय पर निर्णय लेने की जरूरत नहीं बेटा, वो अंडरस्टूड है। अगर दो उम्मीदवार है, चुनाव से पहले एक जने का डेथ हो गया तो चुनाव क्या हो जाएगा? फिलहाल कैंसिल, और आगे डेट के लिए क्या हो जाएगा? पोस्टपोन हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। तो ध्यान देने, जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको? ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। समझ में आया ना, ये देख लो ना, दो जने उम्मीदवार है, एक जने एक्सपायर कर गया तो दूसरा क्या करेगा? थोड़ी वो उसका अपन इलेक्शन करा सकते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। आगे देखो, आगे अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, एक बार रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। निम्नलिखित में से कौन चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करने करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता है? याद रहेगा वह कौन सा पदाधिकारी है जब नामांकन फॉर्म क्या करता है, वो प्रस्तुत करेगा, तो शपथ पत्र क्या नहीं करता, वो प्रस्तुत नहीं करता, ठीक है ना यहां तक, ठीक। अच्छे से देखो, इसको अपन बनाने का प्रयास करते हैं, क्लियर है यहां तक, ठीक है। हाँ भाई, शपथ पत्र, नामांकन पत्र के साथ साथ शपथ पत्र कौन कौन नहीं करता, इतना क्लियर है? एक सेकंड, प्रश्न पढ़ो तो। निम्नलिखित में से कौन चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता है? क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहला, ठीक है, ये प्रश्न जब आया था तब की बात है, ठीक है, याद रखना, ये याद रखना, ये हमारे पास पुराना प्रावधान है, ये प्रश्न हालांकि है, लेकिन ध्यान रखना बेटा, अच्छे से समझ लो, जो सरपंच है, ठीक है, पहले ना सरपंच शपथ पत्र जमा नहीं करता था, किसके साथ साथ? नामांकन के साथ साथ, ठीक है तक। पहले जो सरपंच है वो नामांकन के साथ साथ क्या जमा नहीं करता था? हमारे पास शपथ पत्र जमा नहीं करता था, बराबर यहां तक, इसको याद रखना, क्लियर है, ठीक है। तो देख लो, इसको मैं समझाता हूं, देखो कौन कौन हमारे पास है, देखो एक हमारे पास पंच का चुनाव होगा, सरपंच का चुनाव होगा, जनपद सदस्य का चुनाव होगा, ठीक है, जनपद सदस्य का चुनाव होगा, पर इसको समझाता हूं फिर आपको, जिला सदस्य का, पंच सरपंच जनपद सदस्य जिला सदस्य, बराबर यहां तक देख लो अच्छे से। ध्यान में रहे बेटा, ये केवल नामांकन, जो पंच है वर्तमान में केवल नामांकन पत्र ही जमा करता है, ना तो शपथ करेगा ना तो स्वघोषणा पत्र करेगा, ठीक है ना। ये सरपंच है, नामांकन करेगा और नामांकन के साथ साथ वर्तमान में शपथ पत्र जमा करता है,
जनपद भी नामांकन करेगा, साथ में शपथ पत्र जमा करेगा, जिला भी करेगा और साथ ही साथ शपथ पत्र भी क्या करता है, जमा करता है। ये करता ही है। पहले सरपंच ना स्व घोषणा पत्र भी क्या करता था, जमा करता था, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में वो केवल क्या करता है, शपथ पत्र क्या करता है, जमा करता है। इसलिए देख लो जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या था, आठवां था, ठीक है। जनपद सरपंच का चुनाव याद रखना, ये अभी अगर देखा जाए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। मैं बता दूं जो प्रश्न नंबर आठ है ये वर्तमान है कि सरपंच भी क्या करता है, शपथ पत्र जमा करता है, ठीक है, यहां तक याद रहेगा, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आठ के बाद क्वेश्चन नंबर नौ पे चलते हैं। देखिए ये टेंडर वोट के बारे में है बेटा, किसके बारे में है, टेंडर वोट, ठीक है, एक बार पढ़िए टेंडर वोट के बारे में क्या सही नहीं है, ठीक है, ये लिया गया है टेंडर वोट, क्लियर है, यहां तक देख लो अच्छे से। टेंडर वोट जानते हैं आप लोग, निविदित मत किसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, देखा जाए टेंडर वोट की बात करोगे तो जब हमारे पास मतदान केंद्र है, बूथ जहां पे अपन क्या करते हैं वोट देते हैं, सपोज ये हमारे पास क्या है, मतदान केंद्र हो गया, ठीक है, जैसे ही आप लोग क्या करते हो यहां से इंटर करते हो, यहां पे पीठासीन अधिकारी बैठा रहता है, बैठा रहता है ना, पीठासीन अधिकारी लोग बैठे रहते, एक ही व्यक्ति रहता है, इनके जो सामने में दो तीन जितने भी है हमारे पास मतदान अधिकारी लोग रहते हैं, ठीक है, मतदान अधिकारी लोग रहते हैं, इलेक्शन ऑफिसर लोग रहते रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वो क्या बोलते हैं, हरा कपड़ा फिर ढक करके वो रहता है वोट देने वाला, ईवीएम मान को चलो, फिर बैलेट पेपर से तो बैलेट पेपर वाला रहता है, ठीक है, ये होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता है, ये पता होगा, सही बात है, ये बेसिक है। अब बात करते हैं टेंडर वोट, ठीक है ना, अब सपोज हमारे पास कोई व्यक्ति ए है, एक सेकंड ए से तो नहीं करेंगे, एक व्यक्ति है राम कुमार और एक व्यक्ति है हमारे पास सपोज राम, एग्जाम्पल के सहारे इसको आगे बढ़ाते हैं, राम कुमार ये नहीं लिखता, केवल राम बस लिखता है, ठीक है ना, इसने सपोज राम नाम का व्यक्ति सुबह वही 8 बजे प्रातःकाल सुबह 8 बजे वोट देने आया, ठीक है, क्या लेके आएगा, वही वोटर आईडी कार्ड या फिर इनको कुछ दिया जाता है ना, ठीक है, मतदान पत्र, ध्यान दे रहा ये वोट देने आया, पीठासीन अधिकारी ने इसको चेक किया, मतदान अधिकारी ने भी चेक करके वही अंगूठे पे सिविल एंट्री लगा के ये क्या है वोट किया, और वोट करने के बाद घर चला गया वापस, ठीक है, फिर हो सकता है दोपहर में दूसरा नाम राम नाम का व्यक्ति आया वोट देने, वही अपना वोटर आईडी कार्ड पकड़ के आएगा, पीठासीन अधिकारी के पास आएगा, पहले इसी के पास जाएंगे अपन, तो ध्यान देना सबसे पहले चेक करेगा, तो हो सकता है एक बार डाउट हो जाए, भाई ये इस नाम का व्यक्ति तो सुबह वोट देके आया था, वोट देने आया, ठीक है, कभी कभी फेस भी कभी कभी होता है उसको डाउट हो जाए कि फेस भी कभी कभी होता है सेम मैच दिखाई देता है, मैच हो जाता है, ठीक है ना, तो ध्यान देना इसको ये कंफ्यूजन है कि इस व्यक्ति ने ना सुबह क्या किया था वोट दिया था, तो इसको क्या हो गया डाउट हो गया, तो पीठासीन अधिकारी क्या करेगा इसको ना यहां पर वोट देने नहीं देगा, समझ में आया, मतलब पीठासीन अधिकारी उसको क्या करेगा यहां पर वोट देने से मना कर देगा और इसका जो वोट है वो अपने पास रख लेगा, कौन, पीठासीन अधिकारी क्या करता है उस वोट को अपने पास रख लेता है। अब ध्यान दे ये सामान्य वोट तो नहीं है, अब नॉर्मल वोट ही होगा और सामान्य हमारे पास क्या होगा वोट होगा, बराबर यहां तक, तो ध्यान दे अब देखो ये तो हमारे पास होगा टेंडर वोट, क्या कहलाता है, क्लियर हुआ बेटा, तो यही क्या होगा टेंडर वोट होगा। लेकिन अब गणना करते हैं, क्या करते हैं गणना करते हैं, ठीक है ना, गणना में सपोज किसी को एकदम स्पष्ट बहुमत मिल गया कि भाई ए व्यक्ति जीत गया करके, उस कंडीशन में इसका अपन गणना नहीं करते, सामान्य परिस्थिति में टेंडर वोट की गणना नहीं की जाती, लेकिन अगर अपन गणना कर रहे हैं और गणना में क्या होगा टाई हो गया ड्रॉ हो गया, मतलब समान मत मिल गया, जितने भी उम्मीदवार हैं दो जन उम्मीदवार को क्या मिल गया एक समान मत मिल गया, उस कंडीशन में अब क्या करना निर्णायक वोट चाहिए, तो ध्यान रहे जो टेंडर वोट है टेंडर वोट की गणना निर्णायक, ठीक है, निर्णायक मत के रूप में की जाती है, समझ में आया बेटा क्या है टेंडर वोट, इसी को याद रखना है और इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करते चलो ये क्या है करके, ठीक है ना, देखो भाई मतदाता द्वारा दिया गया मत नियोजित मत कहलाता है, नहीं भाई झगड़ा हो जाएगा, मतदाता नॉर्मल मतदाता द्वारा दिया गया वोट नॉर्मल वोट है वो तो गलत है। आगे निर्धारित समय के बाद आने वाला मतदाताओं का मत नियोजित मत कहलाता है, नहीं इसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, बाध्यता नहीं है,
बस जो पीठासीन अधिकारी है ना उसको डाउट हो गया कि भाई इसने क्या किया था, वोट दिया था सुबह, ठीक है ना, डाउट है कि भाई इसने ये इसका दूसरी बार है, तो एक व्यक्ति केवल एक ही बार वोट दे सकता है पर्टिकुलर इलेक्शन पे, याद रहेगा ना, ये भी गलत हो गया, ठीक है। निवृत्त मत पत्र मत पेटी में नहीं डाले जाते, मैंने बताया था किसके पास जाता है, पीठासीन अधिकारी के पास जाता है, ठीक है। निवृत्त मत पेटी में डाले जाते हैं, गलत बात, गलत है ये, याद रहेगा। अंतिम मतपत्र याद रखना, यह मतदान केंद्र का सबसे अंतिम मतपत्र है और नियोजित मत के लिए मतदाता को दिया जाता है, सही बात है, यह सबसे अंतिम मतपत्र माना जाता है, गलत नहीं है। परिणामों की घोषणा नियोजित मत पत्रों पर आधारित होता नहीं, इसको अपन काउंट करते ही नहीं है सामान्य परिस्थिति पे, इसलिए क्या क्या गलत है देखो, तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, चौथा गलत है और साथ ही साथ छठवां भी गलत है। एक दो चार छह दिख रहे कहीं पे, एक दो चार छह, इसका मतलब इसका उत्तर आपको क्या मिलेगा बेटा, सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, उत्तर मिलेगा आपको टेंडर वोट। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से रीड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ठीक है ना, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यदि चुनाव में, ठीक है ना, यदि चुनाव में, ठीक है, यदि चुनाव में नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है तो अभ्यर्थी पुनरीक्षण के लिए किसके पास अपील करेगा, मतलब जो हमारे पास उम्मीदवार है अगर इसका नाम निर्देशन पत्र को रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या कर दिया बेटा, अवैध घोषित कर दिया, मतलब अपना डिस्क्वालिफाई हो गया है तो चुनाव नहीं लड़ सकता, तो इसके पास तो कोई ना कोई हमारे पास राइट्स होगा ना, तो एक इसके पास अपील करेगा, उस संबंध में यह प्रश्न है। तो देखो पहला पंच के मामले में तहसीलदार को करेगा क्या, ठीक है, किसके मामले में, पंच के मामले में तहसीलदार को करेगा क्या, याद रहेगा उसको देखते हैं है कि नहीं, क्लियर है यहां तक, तो ध्यान देना, जो हमारे पास ये अपील पंच के मामले में किसको करेगा, तहसीलदार को नहीं करेगा, किसको करता है वो एसडीएम राजस्व का करता है, तो पंच के मामले में अनुभागीय अधिकारी बिल्कुल करता है, सरपंच के मामले में तहसीलदार को करता है क्या, नहीं, सरपंच के मामले में भी किसको करेगा, एसडीओ राजस्व को करेगा, किसको करेगा, एसडीओ राजस्व को करेगा, जनपद पंचायत के मामले में एसडीएम राजस्व को करेगा क्या, नहीं, याद रखना जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को किया जाता है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल, इसलिए ये वाला सही है, ठीक है यहां तक। आगे जिला पंचायत के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी को नहीं, कलेक्टर को नहीं करेंगे, किसको करेंगे, संचालक पंचायत को करेंगे, तो याद रखना ये वाला ऑप्शन सही है। तो देखो प्रश्न क्या है, क्या सही है, किसको अपील करेगा, तो देख लो बेटा अगर देखा जाए अपील हम किनके किनके पास करते हैं, ठीक है यहां तक। तो देखो अगर पंचायत चुनाव में नाम निर्देशन पत्र, ठीक है, अगर पंचायत चुनाव में नाम निर्देशन पत्र को जो रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर देता है, अवैध घोषित कर देता है, तो इसको, ठीक है यहां तक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कहां अपील करेंगे, कहां पर क्या कर सकते हैं, याद रखना किसके पास अपन अपील करेंगे, क्लियर है यहां तक, इस संबंध में ये प्रश्न है, ध्यान रखना मैंने आपको अभी बताया है ये क्या है, कितना क्लियर हो बेटा, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो भाई तीन चीजें हैं, एक हमारे पास है ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत, तीन चीजें अपने पास है। अगर देखो पंच और अगला हमारे पास कौन सा है, सरपंच है, ठीक है यहां तक, पंच और अपने पास कौन सा है, सरपंच है, याद रहेगा यहां तक, इस बात को याद रखना, क्लियर है। इसके मामले में दूसरा जनपद सदस्य के मामले में या फिर जिला सदस्य के मामले में, तो ध्यान देना अगर पंच और सरपंच का नाम निर्देशन पत्र क्या होता है, कैंसिल होता है, तो याद रखना ये किसके पास अपील करेगा, तो ध्यान रखना बेटा एसडीएम राजस्व के पास, एसडीओ, जनपद वाला किसके पास जाएगा, कलेक्टर के पास जाएगा, जिला वाला किसके पास जाएगा, संचालक पंचायत के पास जाएगा, प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है यहां तक, ठीक है, याद रहेगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर किसको लेते हैं, 11 को लेते हैं, पढ़ो। पंचायत चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार की जमानत राशि के विषय में क्या सही है, जमानत राशि देख लो अच्छे से, ठीक है बेटा, याद रहेगा जो हमारे पास पंचायत चुनाव है इसके संबंध में जो हमारे पास जमानत राशि है वो क्या है, कितना है, अच्छे से देखो, क्लियर है यहां तक, देख लो बेटा,
तो मैं बता देता हूं, सबसे पहले तो जमानत राशि देखो कितने लोग पंच के लिए होगा, सरपंच के लिए होगा, ठीक है, जनपद सदस्य के लिए होगा और जिला सदस्य के लिए होता है, ठीक है ना, जमानत राशि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए नहीं रहेगा, तो कुल लोग सदस्य रहते हैं, ठीक है। देखो बेटा जब हमारे पास पंच के लिए अगर बात करोगे, पंच के लिए हमारे पास कितना होता है, ठीक है ना, पंच के लिए 50 रुपए होगा, सरपंच के लिए 1000 रुपए होगा, जनपद सदस्य के लिए 2000 रुपए होगा और जिला सदस्य के लिए कितना होगा, 4000। ये कौन से उम्मीदवार जो युवा है, जो अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं, और जो कैटेगरी वाले हैं एसटीएससी, जो हमारे पास जो ओबीसी वाले हैं, ध्यान रख उनके लिए आधा बस कर देना है आपको, कैसे, 25 रुपए, ये 500 रुपए, ये 1000 रुपए और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2000 रुपए, बराबर। यहां तक क्लियर है, इसको प्लीज याद रखिएगा, ठीक है ना, तो ध्यान रहिए हमारे पास जमानत राशि। अब चलो इस प्रश्न को करते हैं, ठीक है भाई, पंच उम्मीदवार के लिए 40 रुपए सही कि गलत है, गलत है, पंच महिला उम्मीदवार के लिए कितना है, 25 रुपए, याद रहेगा, ठीक है, सरपंच उम्मीदवार के लिए कितना, 400 रुपए, ये भी गलत है, सरपंच अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए कितना रुपए, 100 रुपए, गलत है, जनपद सदस्य के लिए कितना रुपए है, 500 रुपए, ये भी गलत है, जनपद सदस्य शेड्यूल कास्ट के लिए 200 रुपए, ये भी गलत है, याद रहेगा, जिला पंचायत सदस्य, तो याद रखना अपने आप में अगर देखा जाए बेटा इस प्रश्न के आपको ये प्रश्न भी आपने एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, देखिए अगर मैं बता दूं, ठीक है, ध्यान देना, अगर जमानत राशि की बात करोगे, यहाँ पे अलग से मैं बता देता हूं जमानत राशि वर्तमान में कितना है, ध्यान देना, अगर बात करेंगे पंचायत के चुनाव का, ध्यान देना, पंच का उम्मीदवार जमानत राशि 50 रुपए है, सरपंच उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 1000 रुपए है, जनपद सदस्य के लिए जमानत राशि 2000 रुपए है और जिला सदस्य के लिए जमानत राशि कितना है, 4000 रुपए है, बराबर। यहां तक इस बात को देखिएगा, आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है, यहां तक इसको देखिएगा, ये था जमानत राशि से जुड़ा हुआ प्रश्न। आगे अपन बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 लेते हैं, देखो प्रश्न नंबर 12 में दो हमारे पास लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे जो उम्मीदवार है वो, और ध्यान देना जब उम्मीदवार का जो हमारे पास कह रहा था मत पत्र रहता है वो किस कलर का रहता है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है, यहां तक तो देखो इसको बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो कितने जने का चुनाव होगा, देखो यहां पे कलर पूछा है आपको, क्या पूछा है वो आपको, मत पत्र का रंग, मत पत्र का रंग पूछा है, कैसे याद करोगे, देखो पंच का चुनाव होगा, सरपंच का चुनाव होगा, जनपद सदस्य का चुनाव होगा और जिला सदस्य का चुनाव होगा, ठीक है ना, पंच का चुनाव, सरपंच का चुनाव, जनपद सदस्य का चुनाव और जिला सदस्य का क्या होगा, हमारे पास चुनाव होगा, तो पंच का जब चुनाव होगा तो बेटा जो हमारे पास कलर रहेगा मत पत्र का वो क्या रहेगा, सफेद रहेगा, क्या रहेगा बेटा, सफेद रहेगा, इसको याद रखना, सरपंच का चुनाव होगा तो मत पत्र किस कलर का रहेगा, नीला कलर का रहेगा, जनपद वाले के लिए पीला रहेगा और जिला वाले के लिए क्या रहेगा, गुलाबी रहेगा, क्या रहेगा हमारे पास, गुलाबी, बराबर याद है, तो देख लो इस बेसिस पे इस प्रश्न को बनाना है, ठीक है, और याद रखना ये प्रश्न का जो उत्तर है मैं आप पे छोड़ता हूं, कमेंट करके बताइए प्रश्न नंबर 12 का उत्तर क्या होगा, आपके पास समय है, ठीक है ना, अभी बता दिया इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, तो पंच के उम्मीदवार का जो हमारे पास मत पत्र का रंग क्या होता है, सफेद होता है, सरपंच वाले का क्या रहता है, नीला रहता है, जनपद वाले का क्या रहता है हमारे पास, पीला रहता है और जिले वाले का हमारे पास क्या रहता है, नीला रहता है, ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा, क्लियर है, इसको देखिएगा, ठीक है, समझ में आया, चलो आगे अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, देखो अच्छे से याद रहेगा, इसको भी मैंने कल करवाया है, एक बार पढ़ो प्रश्न का, प्रश्न क्या है अच्छे से देखो, प्रश्न नंबर जो हमारे पास 13 है, ठीक है, यहां तक देख लो अच्छे से, ये आप लोग करोगे, मैं एक बार रीड करता हूं, एक ग्राम पंचायत के लिए चुनाव 10 जनवरी 2016 का हुआ था, कब हुआ था, 10 जनवरी 2016 को चुनाव हुआ है, ये पहला कंडीशन है, ठीक है, तो पंचायत का विघटन कब होगा, 10 जनवरी 2021 को होगा, ये अंडरस्टूड होना चाहिए, 5 साल, पंचायत विघटन कब होगा, 10 जनवरी 2021, ये दिमाग में बिठा लेना है, इसके बाद जितना भी स्टोरी है
उसको पढ़ लो चुपचाप, आखिरी में टिक क्या करना है, 5 साल के बाद 10 जनवरी 2021 होना चाहिए। ठीक है, पढ़ते हैं चलो। तो पंचायत का चुनाव हुआ 10 जनवरी 2016 को, इसका प्रथम बैठक कब हुआ, 24 जनवरी 2016 को, याद रहेगा, सॉरी प्रथम बैठक कब हुआ है, तो ध्यान देना 24 जनवरी 2016 को, तो याद रखना, सॉरी मैंने मिस्टेक किया है, प्रथम बैठक कब हुआ है, 10 जनवरी 2016 को क्या हुआ है, प्रथम बैठक हुआ है, क्लियर है, कब, ध्यान देना 24 जनवरी 2016 को पहला बैठक हुआ, तो सत्र कब तक रहेगा, 24 जनवरी 2021 तक पूरा पंचायत का सत्र का कार्यकाल रहेगा, याद रहेगा। तो देखो बेटा, प्रथम बैठक कब हुआ, 24 जनवरी 2016 को, ठीक है। इसके बाद कुछ अनियमितताओं के कारण ग्राम पंचायत 10 अक्टूबर 2018 को क्या कर दिया गया, विघटित कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नवीन ग्राम पंचायत का चुनाव होता है 12 दिसंबर 2018 को, तो नई ग्राम पंचायत का जो प्रथम बैठक है वो कब हुआ, 27 दिसंबर 2018 को, ठीक है। तो इस नव गठित ग्राम पंचायत की अवधि क्या होगी, बिना ऑप्शन पढ़े क्या लोगे, 24 जनवरी 2021। देखो इस 5 साल की अवधि में जितने बार भी, अनंत बार भी अगर क्या होता है, उपचुनाव होता है, उत्तर में जो पहला गठन हुआ था, प्रथम बैठक हुआ था, से लेकर के 5 साल लिख देना आग बंद करके, ठीक है, यहां तक बेटा ये कल समझा दिया था आपको, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, पढ़ते हैं। यदि कोई मतदाता, प्रश्न को पढ़ो अच्छे से, यदि कोई मतदाता एक वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत में पंच के लिए प्रस्तुत करता है, मतलब अगर कोई मतदाता एक वार्ड से पंच के लिए क्या करता है, नामांकन पत्र क्या करता है, प्रस्तुत करता है, इसके बाद वह दूसरे वार्ड से भी पंच के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर देता है, मतलब दो वार्ड से उसने क्या किया, फॉर्म भरा है, बाद में वह दूसरा नामांकन वापस ले लेता है, मतलब दो वार्ड से नामांकन भरा था लेकिन एक से वापस ले लिया, तो उसके पहले नामांकन पत्र का क्या होगा, क्यों कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, तो याद रखना बेटा ये अवैध घोषित नहीं होगा, सिंपल याद रखना इसको, आपने केवल नामांकन पत्र क्या किया था, जमा किया था, भरा था, लेकिन एक तो वापस ले लिया ना, मतलब आपने अब अभी भी एक वार्ड से लड़ना चाह रहे हो, तो बेटा जो आपका जो पहला वाला नामांकन पत्र है वो किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं होगा, चुनाव से पहले तक जब तक नामांकन फॉर्म भरने का डेट है उससे पहले अगर आपने वापस ले लिया तो आपका जो फॉर्म है वो रद्द नहीं होगा, लेकिन उसके बाद हो सकता है, ठीक है ना, याद रखना इसको, ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं, देखो इसको, इसका उत्तर क्या है, मतदाता सूची तैयार करने के बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने, दावा आपत्ति की सूचना किन कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित नहीं करना होता है, याद रहेगा, देख लो प्रश्न नंबर जो हमारे पास क्या है 15 है, इसका उत्तर क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, याद रहेगा, मतदाता सूची तैयार करने के बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ना है, दावा आपत्ति की सूचना किस कार्यालय में के नोटिस बोर्ड पर अपन प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो देखो पहला रजिस्ट्रेशन ऑफिसर करेंगे, संबंधित ग्राम पंचायत में करेंगे, ग्राम पंचायतों से संबंधित जनपद पंचायत में करेंगे, राज्य के समस्त ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत में नहीं, यहां नहीं, ये जो फैक्ट है वो गलत हो जाएगा, याद रहेगा, तो ध्यान देना इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बेटा, क्लियर नहीं आता, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, ये है एजेंट, ठीक है, ध्यान देना पंचायत के चुनाव में 3 प्रकार के एजेंट होते हैं, बता देता हूं, याद रहेगा, मतदान अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता, याद रहेगा, कितने प्रकार हमारे पास एजेंट होते हैं, तो ध्यान देना बेटा 3 प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, एजेंट होते हैं, एक है मतदान अभिकर्ता, दूसरा है चुनाव अभिकर्ता, तीसरा है गणना अभिकर्ता, ठीक है ना, उसके अलावा जो भी होगा वो अलग हो जाएगा, प्रश्न पूछा है, और ध्यान रहे बेटा जो अभिकर्ता है, जो एजेंट है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, उम्मीदवार लोग करेंगे, कौन लोग करेंगे, उम्मीदवार, मतलब ये अपने आप में पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए कह जाए, सपोज क्या हो रहा है, सपोज अंदर पे वोटिंग हो रहा है तो उम्मीदवार तो बाहर है ना, और बूथ कितने बहुत सारे हैं, सपोज 250, 300, 400, तो उम्मीदवार तो अपने आप में अकेला है, वो एक पर्टिकुलर टाइम में एक ही जगह जा सकता है, बाकी 100 जगह कहां जाएगा, नहीं जा पाएगा ना, इसलिए वो क्या करता है, वहां पे एजेंट को नियुक्त करता है, तो एजेंट 3 प्रकार का होता है, याद रहेगा, पहला चुनाव एजेंट, चुनाव अभिकर्ता,
दूसरा है मतदान अधिकारिता, और तीसरा है गणना। जब गणना भी होगा तो ध्यान में जितने भी उम्मीदवार है ना, उन सभी उम्मीदवारों के जो एजेंट है, जो अभिकर्ता लोग वहां पे उपस्थित रहते हैं। देख लो कहां पे चुनाव अभिकर्ता नियुक्ति हो सकता है, लेखा अभिकर्ता नहीं होता, ठीक है, प्रचार अभिकर्ता नहीं होता, मतदान अभिकर्ता होता है, गणना अभिकर्ता होता है, मुख्य अभिकर्ता नहीं होता है। इसलिए 1, 4 और 5 दिख रहा है, 1, 4, 5 ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्लियर है, क्या होगा उत्तर नंबर बी होगा बेटा। समझ में आया, आई होप ये समझ में आया, ठीक है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, 17 पे आते हैं। देखो तीन अभ्यर्थी, ठीक है, प्रश्न पढ़ो, तीन अभ्यर्थी सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, मत पत्र में इनका नाम किस क्रम में मुद्रित किया जाएगा, ठीक है। यहां तक देखो बेटा, हमारे पास क्या है, मत पत्र है, ठीक है, एक तरफ व्यक्ति का नाम होगा, पार्टी का नाम होगा, और एक तरफ क्या होगा, उसका चुनाव चिन्ह होगा, ठीक है यहां तक। अब देखो तो यहां पे जो अपन सपोज 5 उम्मीदवार है या 4 उम्मीदवार, जितने भी उम्मीदवार है, उनका नाम यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे चिन्ह लिखा रहेगा। सपोज किसी का क्या है स्वास्तिक छाप पे है, किसी का सपोज क्या है सूरज छाप पे है, कोई भी छाप पे अगर देख लो, किसी का चश्मा छाप पे है, याद रखना, ठीक है, किसी का अलग अलग छाप पे, लेकिन नाम सपोज अगर देखा जाए, इनका जो नाम होगा ना बेटा वो अल्फाबेट क्रम पे होगा, किस क्रम पे होगा, अल्फाबेटिकल, याद रहेगा। तो देखो पहला नाम कौन सा है, पी एस शुक्ला, पहला नाम कौन सा है, पी एस शुक्ला पी, दूसरा नाम महेंद्र एम, तीसरा नाम सोम एस, तो पहले क्या होगा एम, एम के बाद क्या होगा पी, पी के बाद क्या होगा एस, तो क्या होगा उसका उत्तर बी, बी के बाद ए, ए के बाद सी, बी ए सी दिख रहा है कहीं पे, हाँ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। समझ में आया, अल्फाबेटिकल जो इंग्लिश की वर्णमाला है, जो अल्फाबेट है, उसके बेसिस पे क्या होगा, इनका अरेंजमेंट होगा नामों का, बराबर। यहां तक ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17, बराबर, यहां तक क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े। अगला अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, किसके द्वारा पंचायतों के लेखा और अंकेक्षण का रख रखाव किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा पंचायत के लेखा और अंकेक्षण का रख रखाव किया जाता है, बराबर, यहां तक चलो बताओ भाई उत्तर क्या होगा, क्लियर है यहां तक। देखो संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा, राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा, राज्य वित्त आयोग के द्वारा, या सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा, तो ध्यान देना बेटा, पंचायत राज्य सूची का विषय है, इनके संबंध में जो भी अपन नियम बनाएंगे कानून बनाएंगे सब कौन कौन बनाता है, विधानसभा बनाता है, तो इसलिए राज्य विधायिका द्वारा बनाया गया जो कानून है, इसके द्वारा जो हमारे पास पंचायत है उसके लेखाओं का अपन क्या करते हैं, रख रखाव करते हैं, उनके संबंध में अपन क्या बनाते हैं, नियम बना सकते हैं, ठीक है यहां तक, तो याद रखिएगा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर। अगला अपन चलते हैं 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा, यदि पंचायत, ठीक है, पंचायत का क्षेत्र होगा और छावनी बोर्ड, ये भारत सरकार का जो सैन्य क्षेत्र है, जो सैनिक है वो उनका क्षेत्र है, याद रखना, ये भारत सरकार का कंट्रोल का है, ये राज्य सरकार का कंट्रोल का है, तो ध्यान देना, यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा, तो ध्यान देना, क्योंकि ये राज्य सरकार वाला है, ये भारत सरकार वाला है, दोनों के बीच झगड़ा हो गया तो अंतिम निर्णय कौन लेगा, तो देखो कलेक्टर, भाई राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच विवाद है ना, तो कलेक्टर तो कर ही नहीं सकता, संभाग आयुक्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य सरकार भारत सरकार के बीच का मामला है, पंचायत वाला भी नहीं कर सकता, तो कौन करेगा, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अध्यायी, याद रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मामला पंचायत राज्य सरकार छावनी बोर्ड भारत सरकार के बीच का है, दोनों के बीच विवाद हो गया, ध्यान देना इसका निराकरण करने का प्रयास राज्य सरकार करेगा, लेकिन किसके गाइडेंस पे, भारत सरकार के गाइडेंस पे, बराबर, याद रखना। आखिरी पढ़ते हैं, आखिरी जो हमारे पास प्रश्न है आज का, वो है क्वेश्चन नंबर 20, देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अच्छे से देखो, क्लियर है यहां तक, ठीक है भाई पढ़ते हैं। यहां पे पेनाल्टी जो जुर्माना है उसके संबंध पे है ना, पढ़ते हैं, एक पंचायत सदस्य जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करने के लिए योग्य नहीं है, चाहे वो सरपंच नहीं है, उप सरपंच नहीं है, या फिर पंच के योग्य ही नहीं है, ठीक है,
कि योग्य नहीं है फिर भी वह बैठता है मत देता है तो उसे प्रत्येक दिन 50 रुपए का दंड दिया जाएगा। सही है ना, तो आप सरपंच हो, पंच हो, ना तो उपसरपंच हो, फिर भी उस ओहदे से बैठते हो, वोट भी करते हो, तो गलत है, आपको जुर्माना देना पड़ेगा 50 रुपए। सही बात है, एक पंचायत सदस्य जानता है तो 50 रुपए दंड याद रखना, ठीक है। एक पंचायत सदस्य जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करने के लिए योग्य नहीं है फिर भी बैठता है मत देता है तो 200 रुपए नहीं होता, 50 रुपए दंड होता है ना, याद रखना, ठीक है। एक सरपंच जानता है कि वह पंचायत में पद धारण करने के लिए बैठता है फिर भी तो प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपए नहीं, 500 रुपए नहीं होता, याद रहेगा सरपंच के लिए कितने रुपए, 100 रुपए है, सरपंच जानता है, ठीक है, और प्रत्येक दिन के लिए कितने रुपए, 100 रुपए, तो याद रखना चौथा सही है, ठीक है, तीसरा गलत है, याद रहेगा, ठीक है। उप सरपंच जानता है और कितने रुपए, 500 रुपए, नहीं 500 रुपए नहीं देगा, ये भी कितने रुपए देता है तो याद रखना ये भी 100 रुपए ही देगा, इसलिए इसका उत्तर क्या होना चाहिए, 1, 4, 6 होना चाहिए अर्थ दंड के रूप में, याद रखे दिख रहेगा कहीं पे, हाँ, तो 20वां का उत्तर क्या मिलेगा बेटा, ए। कहने का मतलब ये है जो अपन जुर्माना लगाते हैं, ना तो आप पंच हो, ना तो आप उप सरपंच हो, ना तो आप सरपंच हो, फिर भी पंचायत के बैठक में बैठते हो, कार्यवाही में भाग लेते हो, वोट करते हो, तो आप पर जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं हो तो जुर्माना लगाया जाएगा, जुर्माना कितना रुपए है तो अभी मैंने बताया पंच के मामले में 50 रुपए है, बाकी उप सरपंच और सरपंच के मामले में कितने रुपए बेटा, 100 रुपए है, याद रहेगा इसको, प्लीज देखिएगा। ये था आज निर्वाचन के संबंध में हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आज बताया, आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो कल का जो हमारे पास टॉपिक रहेगा नगरीय निकाय से संबंधित रहेगा, फिर ये पंचायती राज से जितने भी हमारे पास महत्वपूर्ण एमसीक्यू है मैंने करा दिए हैं, जो भी टॉपिक वैसे करवाए हैं यहाँ तक, तो आज का जो हमारे पास टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट भी था निर्वाचन, आपने देखा होगा जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसमें निर्वाचन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पंचायत का निर्वाचन है उसे उसके संबंध में प्रश्न आते ही है, तो आई होप ये आज का जो वीडियो है आपके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज अधिक से अधिक संख्या में इसको क्या करो, शेयर करो, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज का क्लास यहीं आप ही विराम देते हैं, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ में जो नगरीय निकाय है उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाकी अपन कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच।